इलाहाबाद में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन जारी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान अक्टूबर और नवंबर महीने में किया जा सकता है। साथ ही ऐसी भी अटकलें हैं कि पार्टी किसी सांसद को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। सीएम कैंडिडेट के नाम के ऐलान पर पार्टी यूपी के जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखेगी, इसीलिए ब्राह्मण, राजपूत या फिर पिछड़ी जाति के नेता को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सीएम के नाम पर फैसला नहीं हो पाया तो बीजेपी यूपी को 6 इलाकों में बांटकर हर क्षेत्र के लिए एक प्रभारी नियुक्त कर सकती है और अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रभारी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती है।